देखिए, अभी जो हमारे लिए एक अच्छी खबर आई है कि यमुनानगर के जो 20 सैंपल थे वो हमारे पहले जो पॉजिटिव मरीज़ थे उनकी सैंपल की रिपोर्ट आ गई है, जो उनको जो लगभग 14 तारीख से हमारे पास ये कोविड केयर हॉस्पिटल में दाखिल थे, और 20 पॉजिटिव की जो रिपोर्ट वो इम्प्रूव हो गई, नेगेटिव हो गई है। तो हमारे आज ये 20 नए मरीज थे जो ये डिस्चार्ज होकर अपने घर जा रहे हैं। इस तरह से अब तक हमारे पास टोटल जो 112 मरीज दाखिल थे कोविड पॉजिटिव के, जिनमें कुछ हमारे ज़िला से जो पॉजिटिव निकले हुए थे या बाहर से भी जो आए हुए थे जिनकी रिपोर्ट अम्बाला या मोहाली से भी आई थी, उनमें से अब टोटल हमारे 71 मरीज़ डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। और दो जो हैं वो एक मोहाली से जो हमारे केस थे निकले थे, मोहाली में ही वो डायग्नोज हुए थे, उनमें कोमॉर्बिडिटी थी, उनकी वहीं डेथ हो गई थी। और एक मरीज़ हमारे यहाँ यमुनानगर के थे जिन्होंने मौलाना में सुसाइड कर लिया था। तो ये दो अनफॉर्चुनेट हमारी डेथ्स हैं। और इस ज़िले में इस टाइम 39 जो हैं वो एक्टिव केसेस हैं। तो हमारा जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी इंप्रूव कर गया, 64% के लगभग रिकवरी रेट हमारे ज़िले का हो चुका है, जो एक बड़ी सांत्वना की और सेटिस्फेक्शन की चीज़ है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक एक भी ऐसा केस रिपोर्टेड नहीं हुआ जो सेम स्ट्रेन से जिसको री इन्फेक्शन हुई है। बल्कि हमारा तो ये प्रयास है कि ये जो लोग हमारे ठीक होकर गए हैं ये हमारे कार्यक्रम में जुड़ें। मेरी इनसे अपील भी है कि ये आएँ और वॉलंटियर बने। हम इनको पीपी किट भी देंगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी देंगे, और इनको इस दूसरे मरीजों की मदद करने के लिए ये वॉलंटियर बने, क्योंकि इनके पास एक लाइव एग्जांपल है कि देखो मैं इस बीमारी से लड़कर बाहर निकला हूँ, तो आप क्यों नहीं निकलोगे। तो ऐसे लोगों से मेरी अपील है कि अगर वो वॉलंटियर आना चाहेंगे हमारी तरफ से उनका स्वागत है, कि वो उन लोगों की मदद के लिए आगे आएँ। हमें काफ़ी एनजीओज का सहयोग भी मिल रहा है। आज भी काफ़ी एनजीओज ने फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया है, बहुत सी एनजीओज हैं उनके लिए ब्लड डोनेशन का काम कर रहे हैं। तो जिस व्यक्ति को किसी भी तरीके से जो मदद करना चाहे उसका स्वागत है, खासतौर पर ऐसे लोगों का जो ठीक होकर गए हैं। यदि वो इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहें, लोगों की सेवा के लिए जुड़ना चाहें, तो उनका स्वागत है।